लगातार मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चित्रा योगिनी साधना का अनुभव एक पत्र के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और ये कैसा अनुभव है, चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं। नमस्कार गुरुजी, माँ परम्बा राजराजेश्वरी भगवती दुर्गा के चरणों में प्रणाम करते हुए अपना पत्र आपको भेज रहा हूँ, जो कि योगिनी साधना से संबंधित है, जिसमें कुछ अनुभव हुए हैं और साथ ही कुछ प्रश्न भी है। सर्वप्रथम तो अपना पत्र प्रारंभ करने से पहले आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि गुरु का जो पद होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और उच्च पद होता है और उस पद पर विराजना कोई साधारण कार्य नहीं होता, क्योंकि गुरु कोई भी हो वो सदैव पूजनीय और सम्माननीय ही होता है। आवश्यक नहीं कि उन गुरु से आपने दीक्षा प्राप्त की है या नहीं, केवल उनका आशीर्वाद ही महत्वपूर्ण है। खैर, यह सब बातें तो मैं नहीं समझा सकता, केवल योग्य व्यक्ति ही ये बस समझ सकता है। मैं अपनी साधना के विषय में आपको बताता हूँ। गुरुजी, मेरी कोई भी जानकारी को आप सार्वजनिक मत कीजिएगा, यही निवेदन है। मेरा नाम ये है और मैं मध्य प्रदेश के इस जिले और इस गाँव का रहने वाला हूँ। मैं अक्सर आपके द्वारा बताए गए साधकों के अनुभव सुनता रहता हूँ। मैंने सर्वप्रथम आपके चैनल पर तब जुड़ना शुरू किया जब एक अनुभव सुना, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने अनुभव में बताया था कि उसके दादाजी के साथ चुड़ैल की शादी के बारे में, और उसके बाद फिर आपके पिताजी की कर्ण पिशाचनी साधना और फिर भैरवी साधना के अनुभव मैंने सुने, जो मुझे बहुत पसंद आए और मैं साधकों द्वारा भेजे गए अनुभव सुनने लगा। तभी मैंने मन में एक साधना करने का विचार जगा और मैंने भी साधना करने की ठान ली। सर्वप्रथम तो यह बात लॉकडाउन से पहले की है, जब ग्रहण काल था, शायद सूर्य ग्रहण, जिसका आज का समय कुछ समय पहले था। उसी समय मैंने माँ अपराजिता दुर्गा और इन देवी योगिनी जिनकी मैंने साधना की है के मंत्रों का एक एक माला जाप किया था। अब नवरात्रि का समय था, मेरे मन में एक डर सा भी था, क्योंकि योगिनी शक्तियां कोई साधारण शक्तियां नहीं होती। सर्वप्रथम लगभग 3 दिनों को मैंने मंत्र जाप किया और अपराजिता साधना की, उनके मंत्रों का जाप प्रतिदिन लगभग 11 माला करता रहा। उसके बाद मैंने चालू की अपनी योगिनी साधना, क्योंकि मैं डरता था कि कहीं ये शक्तियां नाराज ना हो जाए। मैंने माता से निवेदन कर पूजन की आज्ञा मांगी, साधना की और मैंने यह साधना फिर चालू कर दी, जिसमें मैं भगवान गणेश की मंत्र की माला, उसके बाद गुरु मंत्र और एक माला फिर देवी योगिनी के मंत्र की माला, इस प्रकार 3 माला मंत्र जाप का संकल्प लिया, जिसमें यह संकल्प था कि 1 वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें अधिक से अधिक नवरात्रि में मैं ये सारे मंत्रों का जाप करूंगा। तो पहली नवरात्रि का दिन था, शायद 4th या 5th दिन रहा होगा, बात दोपहर की है। जब मैं थोड़ा लेटा हुआ था, मेरी आँख लग चुकी थी, समय लगभग 3:30 या 4 बजे का रहा होगा। तभी कोई स्त्री जो कि मेरे पीछे की ओर आकर खड़ी हो गई। मैं जिस बेड पर लेटा हुआ था उसके साइड में एक बड़ा बेड खाली पड़ा था और दोनों के बीच काफ़ी जगह भी थी जहां कोई इंसान आसानी से खड़ा रह सकता है। बस उसी स्थान पर वह स्त्री विराजमान थी। जहां तक मुझे याद है उसने अप्सराओं जैसे कपड़े पहने थे, शायद साड़ी जो कि पूरी ना हो देख सकता था, लेकिन कुछ थोड़ा जरूर देख पाया। बाई करवट लेटा हुआ था, तभी मुझे लगा कि उसने नीचे से किसी वस्तु को उठाया है, जहां मेरा मोबाइल भी रखा हुआ था, बेड के पाए से टिका होकर। पता नहीं उसके हाथ में वह क्या था, लेकिन जैसे ही उसको मेरे पास लाने की कोशिश की, हालांकि मेरा एक हाथ जो कि ऊपर की ओर था, जिसे मैं हटाना चाह रहा था, चाहता था कि देखूं इसे कि यह क्या है और कौन है, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उस वक्त इस कार्य के लिए तैयार हुआ, हाथ अकड़ गया, जो कि मैं हटा ही नहीं पा रहा था। लेकिन वह जो भी चीज़ थी, कुछ नुकीली सी शायद, उसके पास लाने की कोशिश की। तभी मेरे मन में मुझे माता अपराजिता का मंत्र याद आ गया और मैंने माता के मंत्र का जैसे ही उच्चारण किया, पहली बार में ही वह शक्ति गायब हो गई और दूसरी बार में मेरे मंत्र जाप की वजह से नींद भी खुल गई। गुरुजी, सच बता रहा हूँ, मेरा दायां हाथ मैं ठीक से लगभग 2 से 3 मिनट तक उठा तक नहीं पाया। उसके बाद मुझे कोई विशेष अनुभव तो नहीं हुआ,
मैं साधना में माँ दुर्गा के कवच का पाठ अवश्य करता था। तो यहाँ तो पहली नवरात्रि का अनुभव। अब दूसरी नवरात्रि जो कि अश्विन माह में थी, मैंने दूसरी नवरात्रि में मात्र 4 दिन ही जप कर पाया और बुरी खबर आ गई कि परिवार में मेरे बुजुर्ग का देहांत हो गया है, जो कि मेरे दादाजी के चाचा जी का पुत्र था। मेरे भी दादाजी तो इसी वजह से मुझे उस जाप को छोड़ना पड़ा और इस प्रकार वह नवरात्रि की साधना खंडित हो गई। अब तीसरी नवरात्रि जो कि माघ महीने में होती है, लेकिन इस बार कार्य तो बहुत बड़ा हुआ, लेकिन जो साधना नहीं कर पाया। गुरुजी, हमने सोचा ही नहीं था कि यह सब हो जाएगा, क्योंकि पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। लगभग 3 से 4 महीनों में लोन के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही गुरुजी यह तीसरी नवरात्रि का समय आया, इसमें लगभग 8 दिन पहले ही लोन पास हो गया, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था। हमारा घर जो कि नया बनाया हुआ था, उसका मुख्य द्वार जो कि नहीं लगा पा रहे थे, उसका भी काम हो गया। माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई कि लगभग 4 दिनों में ही सतचंडी का कार्यक्रम करने का मन बना लिया, जिसमें प्रतिदिन हवन भी किया गया। इसमें गुरुजी 4 ब्राह्मणों की आवश्यकता लगी थी। गुरुजी, यह कार्य हमारे घर पर ही किया गया था। हमारे यहाँ जो पूजा घर है वह काफ़ी बड़ा है, आकार लगभग 14 से 15 फीट तक का होगा, और जो कि ईशान कोण में, जहाँ पर माता दुर्गा के अस्त्र शस्त्र रखे हुए। मैं गुरुजी यहीं पर योगिनी देवी के मंत्र का जाप करता था, तो इस कारण से मैं मंत्र जाप नहीं कर पाया गुरुजी। इस तृतीय नवरात्रि में माता चंडी के पाठ के कारण अब चौथे और अंतिम नवरात्रि यह चैत्र मास में आती है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अब इसमें भगवान गणेश को सिद्धि विनायक मंत्र, जो कि मैंने भगवान गणेश के समक्ष जाप किया था, उस मंत्र का जाप करने लगा। सर्वप्रथम फिर गुरु मंत्र और फिर उसके बाद योगिनी देवी के मंत्र का जाप। लेकिन इससे पहले कि माँ दुर्गा के कवच का पाठ अवश्य ही करता था। हालांकि कवच का पाठ में साधना में मंत्र जाप से पहले और शाम के समय नवरात्रि में प्रतिदिन करता था। गुरुजी, मेरे पास कोई यंत्र या चित्र नहीं था, मैं केवल उस दीपक जो कि साधना के समय प्रज्वलित करके रखा जाता है, उसी में उन देवी के मंत्र द्वारा उनका आवाहन करता था और उसके बाद पूजन करता था, फिर मंत्र जाप करता था। गुरुजी, इस बार नवरात्रि से पहले मैंने कुछ सोचा। मैं चाहता था कि कुछ तो एहसास हो, कि इस सोच को रखते हुए मैं नवरात्रि के पहले दिन मैंने माता महाकाली की साधना आरंभ की और उनके आशीर्वाद के उद्देश्य से जो 3 दिवसीय साधना है, गुरुजी, इसका अनुभव भी कुछ विचित्र लगा। मैं नहीं जानता मैं कितना सही हूँ, लेकिन जो कुछ हुआ वह मैं बता रहा हूँ। ऐसा ही दूसरे दिन का समय था। मैं काफ़ी थक चुका था। प्रतिदिन माँ काली के मंत्र क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं, दक्षिण काली के क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं स्वाहा का 9 माला जाप करता था। तो उस दिन मैं 10 बजे पहले ही पानी पीकर सो गया। मैंने सोचा था कि अभी थोड़ी देर बाद मुझे वॉशरूम जाना है, फिर सोना है। मैंने उस कमरे में जिसमें मैं जाप करता था, वहीं पूजन वाला कमरा और जिसमें मैं सोता था, क्योंकि कमरा काफ़ी बड़ा था, लेकिन मेरी आँख लग गई गुरुजी। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता उस कमरे का दरवाज़ा कब बंद हो गया। गुरुजी, मेरी नींद लगभग रात को 12:30 बजे यानी 12:30 बजे के करीब खुली। मुझे वॉशरूम जाना था, लेकिन जब मैंने देखा कि अंदर से दरवाज़ा बंद है और अंदर केवल मैं ही हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही थोड़ा डर भी लगा, क्योंकि गुरुजी मैं नीचे ज़मीन पर सोया हुआ था बिस्तर बिछाकर, लेकिन बिस्तर तो सीधा होता है जो कि अक्सर बिछाया जाता है, लेकिन मैं एक ओर सोया हुआ था और दूसरी ओर मुझे ऐसा लगा शायद जैसे यहाँ कोई बैठा हुआ था, क्योंकि उस ओर का बिस्तर थोड़ा अस्त व्यस्त था। वह कोना जो कि किसी के बैठने से ही हो सकता है। मैं थोड़ा डर भी गया था, इसलिए बिना बाथरूम जाए मैं सो गया। लगभग 4:30 से 5 बजे के समय था। उसके बाद मैंने सपने में देखा कि एक गाय है, बहुत अच्छी दिखने में है और रोड के किनारे जा रही है। मैं उसके पीछे चल रहा हूँ, शायद कोई और भी था उसके साथ, तथा रोड में उस बाजू में एक बैल जो कि दिखने में अच्छा खासा था चल रहा था। पता नहीं मेरे मन में क्या विचार आया और मुझे स्वप्न दोष हो गया। गुरुजी, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरे मन में एक एहसास जाग चुका था। इतना अधिक विश्वास था शायद माता मुझे दर्शन देंगी अवश्य रूप में, लेकिन यह सब हो गया और मेरा मन थोड़ा सा व्याकुल हो गया। हालांकि पता ही नहीं, मेरा शायद कंट्रोल नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ होगा। शायद जैसे तैसे यह 3 दिवसीय साधना संपन्न हुई। अब करनी थी देवी योगिनी की साधना, जो कि इस बार अंतिम नवरात्रि में एक नवरात्रि जिसमें पूरे 9 दिन जाप नहीं कर पाया, पहले वाली जिसमें शायद 5 दिन ही कर पाया और बाकी 2 नवरात्रियों में जाप ही नहीं कर पाया,
गुरुजी अब तो केवल यही नवरात्रि बाकी थी। गुरुजी अब बताता हूँ चतुर नवरात्रि के अनुभव के बारे में। प्रथम दिन मुझे स्वप्न दोष हो गया, हालांकि मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, मुझे सुबह ही पता चला। और दूसरे दिन पूजन से पहले ही मैंने माता से क्षमा प्रार्थना की और कहा कि हे माँ, आप तो सब कुछ जानती हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मुझे क्षमा दीजिए और साधना में आगे बढ़ने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। गुरुजी तीसरा दिन था, मेरे स्वप्न में एक लड़की आई, उसके साथ एक छोटा सा लड़का भी था। मैं एक कमरे में था और वहाँ सो रहा था किसी खटिया पर, जहाँ का जगह का वह दृश्य था मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मैं खटिया पर सो रहा था, सामान बिखरा हुआ पड़ा था, तभी वह लड़की उस बच्चे जो कि लगभग 10 से 12 साल का लग रहा था के साथ आई और मेरे सर के पास आकर खड़ी हो गई और बोली कि चलो हम शादी कर लेते हैं। गुरुजी यह बच्चा भी कहने लगा, काफ़ी देर तक उससे भी बात की, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ठीक है, माँ पिताजी से पूछकर बताऊंगा। गुरुजी वह लड़की पहले बाहर चली गई, उसके थोड़ी देर बाद वह बच्चा भी, मैंने देखा उस कमरे से बाहर निकलने के बाद ही थोड़ी दूर जाकर वह लड़की पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैंने देखने की कोशिश की लेकिन फिर उसके बाद नहीं देख पाया। गुरुजी फिर पांचवा या छठा दिन था, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग यात्री की जब भीड़ इकट्ठा होती है और उनका शोर होता है, वही शोर सा सुनाई दे रहा था। गुरुजी यह आवाज़ सुन सुन कर मैं पक चुका था और सुबह मेरी नींद भी जल्दी खुल गई उस शोर के कारण, जिसमें मैं परेशान हो गया था। गुरुजी अब सातवां दिन था, मैंने स्वप्न में देखा कि एक जलता दीपक जो मैं जहाँ पर सोया हुआ हूँ रखा हुआ है और मुझसे कुछ बात कह रहा है। मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा और याद भी नहीं है, लेकिन कुछ सिद्धि के बारे में कह रहा था, शायद कि मुझे ऐसा करो ऐसा कुछ करो। और लेकिन क्योंकि मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, गुरुजी प्रत्येक नवरात्रि में हमारे यहाँ माता का अखंड दीपक जलता है और इस बार तो नवरात्रि में शाम के 11 माला गुरु मंत्र का जाप भी कर रहा था, क्योंकि आप ही ने कहा था कि किसी भी शक्ति को बुलाने के लिए गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना आवश्यक होता है। गुरुजी हालांकि मैंने साधना व्यवस्थित नहीं की है, ना ही अखंड दीपक जलाया, साधना ही तो केवल जप पूजन काल में ही दीपक जलता रहता था और ना ही उस जाप का दशांश श्रवण किया, समय की कमी के कारण। तो गुरुजी यह था मेरा अनुभव जो इस साधना में हुआ। गुरुजी मैंने संकल्प में एक बात और कही थी कि हे देवी, यदि आप सच में मेरा जब स्वीकार कर रही हैं या मुझसे थोड़ा सा भी प्रसन्न है तो कृपया मेरी इस साधना में सहायता कीजिएगा और बताइएगा। गुरुजी मेरे कुछ इस बारे में प्रश्न भी हैं जो इस प्रकार से हैं। साधना में स्त्री या लड़की भी थी, क्या वह देवी थी या कोई उस लड़की की शादी के लिए कहना, गुरुजी इसके बारे में अवश्य बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर जो वो लड़की या क्या दिखाई देना था, वह कोई योगिनी शक्ति हो सकती है जो आकर के भैरव जी के साथ में आई थी और आपके परीक्षा ले रही थी अपने तरीके से और विवाह के लिए कह रही थी, क्योंकि 12 वर्ष का जो बच्चा होता है, 10 से 12 साल का, वो ज़्यादातर भैरव होते हैं और भैरव के साथ में योगिनियाँ चला करती। अगला प्रश्न आपने पूछा है, गुरुजी क्या मुझे पूर्ण अनुष्ठान के साथ फिर से उन देवी के मंत्रों का जाप करना चाहिए या नहीं। आपको इसकी पूरी विधि सीख करके सही प्रकार से इसका अनुष्ठान करना चाहिए और इस प्रकार से नहीं करना चाहिए जिस तरह से आपने कई चीज़ें मिक्स करते हुए यह कार्य किया है। और जहाँ पर भी यह साधना कीजिए वह एकांत होना चाहिए और आपका संपर्क जन शून्य होना चाहिए। अगला प्रश्न, गुरु जी मैंने इससे पहले भी साधना की जिसमें दिव्य शक्ति द्वारा मुझे दुर्गा सप्तशती संबंधी पाठ का आदेश दिया गया था जो प्रतिदिन मैं करना चाहता था केवल नवरात्रि में ही। तो देखिए जो भी इस तरह के स्वप्न आते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के आदेश दिए जाते हैं, वो सब भी मानने चाहिए ताकि आपको सिद्धि की प्राप्ति हो। चौथी बात आप कह रहे हैं, गुरु जी एक विशेष बात यदि हो सके तो अवश्य उत्तर दीजिएगा। कोई बच्चा जो पैदा होने वाला हो किसी दूसरे शहर में और किसी को उसके बारे में कोई शक्ति आकर सूचना दे जाए। गुरु जी मेरे दादाजी के साथ भी ऐसा ही विचित्र अनुभव घटित हुआ था, बाद में फिर कभी बताऊंगा, लेकिन आज उस बच्चे की उम्र हालांकि 20 से 21 वर्ष हो चुकी है, लेकिन इसका जन्म उसके मामा के यहाँ हुआ सुबह 6:30 से के बीच में, और उस दिन सुबह के समय मेरे दादाजी को कोई दिव्य शक्ति स्वप्न में आकर सूचित करती है, उठ तू यहाँ सो रहा है, तेरे यहाँ तो पुत्र हुआ है और वह बड़ा ही भाग्यशाली है। गुरु जी मेरे दादाजी ने यह बात जब बताई, जब कुछ दिनों बाद उस बच्चे को देखने गए, उन्होंने कहा कि मुझे तो पहले से ही पता चल चुका था कि पुत्र हुआ है और उन्होंने अपना स्वप्न सुना है। तो गुरु जी किसी इंसान के जन्म की सूचना देना, वह भी किसी शक्ति के द्वारा, थोड़ी विचित्र बात है। गुरु जी क्या यह था कृपया बताइए। देखिए यहाँ पर जो उनको अनुभव हुआ, इसका मतलब यह है कि किसी
पूर्व जन्म में उनका यही रिश्ता था, इसी कारण से शक्ति ने उन्हें बताया कि वो शक्ति या वो जीवात्मा एक बार फिर से जन्म ले चुकी है पुत्र के रूप में और किसी जन्म में उनका इस तरह का संबंध आपस में रहा होगा। अब अगला प्रश्न गुरु जी, एक अंतिम प्रश्न, प्रज्वलित दीपक जो मेरे स्वप्न में आकर कुछ कहना चाहता था, जो कह भी रहा था कि मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, उसका उत्तर भी दीजिएगा। देखिए, जब हमारे पास सिद्धि प्राप्त होती है तो उस समय सिद्धियां विभिन्न प्रकार के नई गुप्त बातें बताती हैं ताकि सिद्धि की प्राप्ति हो सके। उनको समझने के लिए उस वक्त हमारी आत्मा का चैतन्य होना बहुत आवश्यक होता है, वरना जो कुछ भी हम सुनते हैं वो आधा अधूरा सुन बैठते हैं और हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो रोकते हैं उस सिद्धि को, ताकि आपको वो सिद्धि प्राप्त ना हो जाए। और आपके अगर ऊर्जा स्तर अच्छा होता है तो फिर आप जो वो बताता है वो पूरी तरह से आप उसको ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए इस तरह का अनुभव हुआ और दीपक ने बताने की कोशिश की। दीपक जिसको आपने योगिनी ही माना था, वो योगिनी देवी ही स्वयं दीपक के रूप में बोल रही थी। गुरुजी, मेरे पास और भी बहुत सारे प्रश्न और अनुभव हुए हैं। मेरी मम्मी के साथ कुछ घटित हुआ है, दादाजी के साथ घटित हुआ विचित्र घटनाएं, वह सब मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। धन्यवाद गुरुजी। जय माँ भगवती दुर्गा। नाम नीचे उन्होंने लिखा हुआ है जिसके बारे में उन्होंने मना किया बताने को। तो ये था इनका योगिनी साधना संबंधी एक अनुभव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।